अपना डिस्क किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, या दोस्तों फिर ये बोल सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को बनाइए सेट फाइंडर। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। एवं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। एवं दिख रहा होगा बेल आइकन, एक बार प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरा मोबाइल सेटअप बॉक्स से कनेक्ट है। यहाँ पर आप डिस्क भी देख सकते हैं, किसी भी सेटेलाइट पर ट्रैक नहीं है। आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर दाएं बाएं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस एंटीने को ट्रैक करके। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस ऐप में यह है कि आप इस ऐप से क्यू बैंड एवं सी बैंड दोनों प्रकार के डिस्क आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। आपको इस ऐप में एक खासियत मिल जाएगी, वैसे मैं दिखाऊँगा तो यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन अच्छी बात इस ऐप की यह है कि आप इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं बगल में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि LNB फ्रिक्वेंसी है, उसका चुनाव आप यहाँ पर कर सकते हैं। 97.50/600 यूनिवर्सल कर सकते हैं, 51.50 कर सकते हैं, या फिर 57.50 कर सकते हैं, जैसा कि हमारा बांगा बंधु का रहता है। इसके साथ साथ बात करें 22K की, तो आप यहाँ पर 22K ऑन ऑफ ऑटो दोनों कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक ऑप्शन और मिल जाएगा डिस्क स्विच का, और यहाँ पर आप डिस्क स्विच का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इस तरह से आप लोग डिस्क स्विच लगाए हैं तो इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक ऑप्शन है जहाँ पर आप देख सकते हैं सेटेलाइट बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आप सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें, मान लिया कोई सेटेलाइट है, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक सेटेलाइट यहाँ पर आपको चुन के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सेटेलाइट सेट करता हूँ NSS 695°। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई चांस में कई टीपियाँ तो पहले से रहती हैं, यदि मान लिया जितनी भी टीपियाँ इसके अंदर हैं काम नहीं कर रही हैं, तो आप इसमें नई टीपी भी ऐड कर सकते हैं। इस प्लस के आइकन पर अपना हाथ रखिए, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आप डाल दीजिए, 11530 जो भी हो। सिंबल रेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं 29500। इसके साथ साथ पोलारिटी आप एच या भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऐप की खासियत। अब मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ डिस्को सेट करके। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं DD फीड डिस्को ट्रैक, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पहले बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 11090 वर्टिकल 29500। अब मैं यहाँ पर एंटीना ट्रैक करूँगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एंटीना को ट्रैक करके। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, एंटीना अभी किसी भी सेटेलाइट पर ट्रैक नहीं है, लेकिन चलिए मैं इसे DD फीड पर ट्रैक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, अभी हमारा यहाँ पर DD फीड ट्रैक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऐप की खासियत यह है कि जब आपका सेटेलाइट ट्रैक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। मान लीजिए, देख लीजिए, सिग्नल छोड़ दिया है तो इस तरह का, और जैसे ही ट्रैक होगा और जैसे ही आपका एंटीना ट्रैक होगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा और इस तरह की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी। दोस्तों इस ऐप की खासियत ये है, यहाँ आप एक देख सकते हैं सर्च का बटन है जहाँ सेटेलाइट बना हुआ है इसके बगल में, और यहाँ जैसे ही आप अपना हाथ रखेंगे यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि इस TP पर आपको कौन कौन से चैनल मिलेंगे। तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसपोंडर पर जितने भी चैनल हैं यहाँ आपके सामने स्कैन करके आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसे करता हूँ कट, यहाँ से हो गया कट। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा DD फीड ट्रैक हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक सी बैंड का सेटेलाइट ट्रैक करके। एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, LNB फ्रिक्वेंसी मैंने 51.50 किया हुआ है, जहाँ सेटेलाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 83° ईस्ट को सिलेक्ट किया है। इसके साथ साथ बात करें डिस्क स्विच का, तो यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर 4 का सिलेक्शन कर लिया है। TP आप देख सकते हैं 39.25, हॉरिजॉन्टल 28.500, इस पर मुझे सिग्नल लेके आना है। मैं एंटीना के पीछे खड़ा हूँ, तो मैं अपने दाहिने साइड हल्का हल्का सा मूव करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे सिग्नल मिल चुका है। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम क्या है और किस तरह से काम करेगा, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जानना है सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में, इसके बाद यहाँ पर आप सभी को टाइप करना है DBB फाइंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं DB फाइंडर यहाँ पर आ गया है आप लोगों के सामने। यहाँ मेरा अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अपडेट नहीं है, और यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने ऐप को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसे ओपन करते हैं। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने नज़र आएगा। तो बात करते हैं कि हमारा ये ऐप काम किस प्रकार से करेगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने मोबाइल के हॉट स्पॉट को ऑन कर लेना है। इसके बाद जाना है मेन्यू में, यहाँ देख लीजिए नेटवर्क सेटिंग में जाके कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ नीचे कनेक्टेड शो कर रहा है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, देख लीजिए एंटीना सेटिंग में सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटेलाइट फाइंडर का। जब आप सेटेलाइट फाइंडर पर ओके करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। एक पर लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप, एक पर है फाइंड सेटेलाइट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला हिस्सा है ब्लूटूथ के बगल जो ये सर्चिंग वाला हिस्सा है, इसे हम लोगों को एक बार क्लिक करना है और देख लीजिए इस तरह से इसे स्कैन कर लेना है। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आप सभी को कनेक्टेड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब आपका मोबाइल कनेक्ट है और आप किसी भी सैटेलाइट को आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने करके दिखाया भी है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि मेरे बॉक्स में सेट फाइंडर तो है ही नहीं, तो आपको बता दें कि आजकल जितने भी सेटअप बॉक्स आ रहे हैं लगभग हर सेटअप बॉक्स में सेट फाइंडर का ऑप्शन मिल जा रहा है। मेरे पास है सॉलिड का 63-63, इसके साथ साथ जैसे पगारिया का आपके पास 50-50 है, 60-60 है, या जो नए वाले पगारिया मॉडल के यानी बोर्ड वाले आ रहे हैं या मी बोर्ड वाले आ रहे हैं, या फिर आपके पास स्टार साइट है, वीजान है, क्लैन है, सभी में आपको सॉफ्टवेयर करना होगा सेट फाइंडर का। जितने भी लगभग बॉक्स हुए, वीजान का हुआ, क्लैन हुआ, स्टार साइट के हुए, सभी के सेट फाइंडर वाले सॉफ्टवेयर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस तरह से आप अपने मोबाइल के द्वारा कोई भी सेटेलाइट आसानी के साथ ट्रैक कीजिए और कई सारे चैनलों का आनंद फ्री टू एयर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आज की अपडेट आप सभी को पसंद जरूर आएगी। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, एवं नए मेहमान हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत